अक्टूबर 2014 के बाद से लेकर अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शासन चलाते हुए 9 साल से अधिक का समय गुजर गया है। हरियाणा की तस्वीर में नए रंग भरने व सरकार की कई योजनाओं के मामले में देश भर में हरियाणा को एक मॉडल प्रदेश के रूप में विकसित करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो 9 साल पहले धारणाएं थी वे अब कमोबेश अवधारणाओं के रूप में तब्दील होती नजर आ रही हैं। कारण साफ है कि साल 2014 में जैसे ही भाजपा ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 47 अपने बूते जीती तो हाईकमान ने करनाल से निर्वाचित हुए मनोहर लाल खट्टर को बतौर मुख्यमंत्री सत्ता की कमान सौंप दी। हालांकि उस वक्त तमाम विपक्षी दल ही नहीं अपितु भाजपा के भीतर से ही भी कई तरह की आवाजें उठने लगी थी और कहा यही जाने लगा था कि मनोहर लाल खट्टर एक अकुशल और अनुभवहीन नेता है, ऐसे में वे लंबे समय तक राज नहीं चला पाएंगे। लेकिन जैसे तैसे समय बढ़ता चला गया और साथ ही उन्हें मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रयोगात्मक नीतियों का ऐसा खाका खींचा कि बढ़ते और बदलते समय के बीच वे तमाम धारणाएं मिटती दिखाई देने लगी जिनके आधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोधी एक नया माहौल बनाने की जुगत में थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अक्टूबर 2014 के बाद से लेकर अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शासन चलाते हुए 9 साल से अधिक का समय गुजर गया है, मगर अब कहीं भी ऐसे स्वर सुनाई नहीं पड़ते कि वे अनुभवहीन हैं। इन सालों के दौरान हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री की नीतियों ने हरियाणा में एक ऐसा परिदृश्य कायम किया कि वे हरियाणा की सियासी लालों से कम नहीं हैं। इस बात के प्रमाण यूं तो कई मर्तबा मिले भी हैं, लेकिन ताजा उदाहरण की बात कही जाए तो बात चाहे पब्लिक के बीच किसी कार्यक्रम की हो, जनसंवाद की हो या मुख्यमंत्री द्वारा हर शनिवार को की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वे हर बार अपने नए अंदाज की परिभाषा को गढ़ते ही दिखाई देते हैं। मसलन वह भी अब लोगों से किसी गांव या शहर की बात सामने आने पर न केवल उस स्थान की पूरी तस्वीर को बयां कर देते हैं अपितु आसपास के क्षेत्रों का भी जिक्र करते हुए पूरे आंकड़ों को प्रस्तुत कर योजनाओं, दिक्कतों और पाइपलाइन वाले कामों तक का पूरा ब्यौरा इस प्रकार रख देते हैं कि सुनने वालों के मुंह से यही शब्द निकल पड़ते हैं कि साहब आपको तो सब पता है। यही नहीं, कई जगहों पर तो ये भी देखा गया है कि वह गांव में जाने के बाद सरपंचों अथवा अन्य मौजूद व्यक्ति को उनके नामों से बुलाते हैं। ऐसे में पर्यवेक्षकों का कहना है कि 2014 में उनके जो विरोधी उन्हें सियासत का अनाड़ी मानते थे, इन 9 वर्षों में हरियाणा की सियासत में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें एक मंजा हुआ खिलाड़ी साबित कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में यूं तो हर नेता का अपना एक अंदाज रहा है, मगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बहुत से ऐसे नाम सामने आते हैं जिनकी शैली और लोगों से बातचीत करने का सलीका और तरीका उन्हें औरों से भिन्न बनाता था। इन नेताओं में मुख्यतः उप प्रधानमंत्री रहे जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल व स्वर्गीय भजन लाल, स्वर्गीय बंसीलाल व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का नाम शामिल है। ये सभी नेता जब भी गांव में जाते थे तो वे अपने चिर परिचित अंदाज से लोगों से इस ढंग से मुलाकात करते थे कि सभी कायल हो जाते। इन नेताओं में खासियत ये रही कि हर गांव में न केवल ये अपने पुराने साथियों के नाम से उन्हें पुकारते हैं बल्कि वर्षों पुरानी बातें भी साझा करते हैं। अब यही शैली हरियाणा के चौथे लाल यानी वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की है। एक अहम बात तब सामने आई जब पिछले शनिवार अपनी विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के राजीव कॉलोनी निवासी राजबाला से बात कर रहे थे तो इसी दौरान मुख्यमंत्री ने इस महिला को ये कहकर हैरान कर दिया कि उनकी राजीव कॉलोनी में अमुक व्यक्ति एक करियाने की दुकान चलाता है, उसका कामकाज कैसा है। महिला इस बात से काफी अचंभित हो गई कि मुख्यमंत्री को मोहल्ले में छोटी सी दुकान चलाने वाले का भी नाम पता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोगों से इस प्रकार मिलते हैं कि लोग खुद हैरत में पड़ जाते हैं कि उनका नाम भी मुख्यमंत्री खट्टर जानते हैं। यही नहीं, भाषा शैली भी सीएम मनोहर लाल खट्टर वही प्रयोग करते हैं जो सामने वाला बोल रहा है। इसके अलावा इन 9 सालों में एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के हर गांव व गली से वे वाकिफ हैं, तो वहीं अपने समर्थकों अथवा गांव के बड़े लोगों को वह नाम सहित जानते हैं। साथ ही गांव में सरकार ने क्या कार्य करवाए, कितने खर्च किए, किन्हें नौकरी मिली, क्या दिक्कत है इत्यादि बारे भी बड़ी बेबाकी से बात करते हुए वे नजर आते हैं। एक खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद मनोहर लाल खट्टर को आज भी नया सीखने की ललक रहती है। सीएम मनोहर लाल को कई भाषाओं का ज्ञान है, वे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी के अलावा जापानी और चाइनीज भाषा के साथ तेलुगु भाषा का भी ज्ञान रखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी भी बैठक में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। इस बात को उनकी कैबिनेट में भी शामिल मंत्री व अधिकारी भी मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर
ऐसे संभवतः पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी बैठक में एजेंडे को लेकर अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि विषय पर पहले खुद सारी बात रखते हैं और फिर अधिकारियों से उनका पक्ष जानने के बाद अंतिम फैसला लेते हैं। सियासी पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब तक वे मुख्यमंत्रियों में चौधरी बंसीलाल के बाद मनोहर लाल खट्टर ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा सत्र में उठने वाले सवालों के संदर्भ में पूरा अध्ययन करने के बाद जाते हैं और तर्कों व तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। यहां तक कि जब कभी किसी विषय पर विभागीय मंत्री सही जवाब नहीं दे पाते और विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आता, तो उस स्थिति में भी स्वयं मोर्चा संभालकर उक्त मंत्री का जवाब भी खुद देकर विपक्ष को शांत करते हैं। यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुजरे 9 सालों में कौशलता के अनेक मनोहर कमाल दिखाए हैं।